जनपद का मैंने आंकड़ा निकाला था, 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं, महिलाएं घायल हुई हैं चार पांच वर्षों में, और 62 के करीब की डेथ हुई है और अंग भंग हुए हैं लोगों के। और इसलिए जो घसियारी कल्याण मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना है, मैं समझता हूं कि ये भी एक समाज में बड़ा भारी परिवर्तन इस योजना के लागू होने से आएगा। अब कई बार आप लोग पूछेंगे साहब तत्काल इसका असर नहीं होगा इसके लिए, क्योंकि हमको तमाम व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, कुछ व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, कुछ व्यवस्थाएं हमको बढ़ानी पड़ेंगी। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे किसान हैं अभी धान पैदा करते हैं, गेहूं पैदा करते हैं, धान का बताते हैं कि हजारों लीटर पानी एक किलो धान को पैदा करने के लिए आवश्यकता होती है, बहुत पानी धान के लिए चाहिए होता है, गेहूं के लिए थोड़ा कम आवश्यकता होती है, लेकिन हम अगर उस पर जो घास प्रजाति की जो हमारी मक्की है, बरसीन है और जई है, उसको अगर हम बोते हैं तो हम अनाज से अधिक कीमत पैसा हम उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए हमारी कोशिश ये है कि जो घास हम अपने फेयर प्राइस की दुकानों के माध्यम से, जो हमारे पशुपालन विभाग के हैं, कोऑपरेटिव के जो स्टोर हैं उनके माध्यम से जो हम बेचना चाहते हैं, बहुत अच्छा होगा कि हम जिलों में जहां पर ऐसी सिंचाई वाली भूमि है वहां पर हम उसकी जो प्रोजेक्ट है जो जिससे घास का साइलेज बनेगा और उसकी पैकिंग होगी, तो उससे दो फायदे होंगे, एक तो जो बोएंगे उनको अच्छी इनकम होगी, उसको सेल करेंगे, दूसरा जो उसको पैकेजिंग होगी उनको पैसा मिलेगा, जो फैक्ट्री वहां पर लगेगी उससे उनको फायदा होगा, रोजगार मिलेगा। तो हमारी ये कोशिश है कि इस घसियारी योजना को हम एक जो घास की व्यवस्था है, अभी हमारी जो फैक्ट्री है वो देहरादून में है और उधम सिंह नगर में है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि लोग इसको पहाड़ों में भी करें। अगर हर जिले में इस ढंग के हमारे पास खेती है जहां पर पानी है, लोगों ने लेकिन खेती छोड़ रखी है, या जहां पर हम एक फसल ले रहे हैं या धान की खेती कर रहे हैं, तो हम एक तो उससे पानी भी बचाएंगे, दूसरा उससे हम अधिक इनकम भी करेंगे, और तीसरी बात यह कि हम केवल अपने लिए बल्कि अपने जिले के लिए भी हमारा बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और इस योजना के लिए हमने इस बार 25 करोड़ की व्यवस्था की है, सस्ते दाम पर घास लोगों को उपलब्ध कराना। जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है इसमें भी 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सुरक्षित उत्तराखंड के लिए अभी हमने हमारा राज्य चौथा राज्य बना है जहां पर हमने महिला में पुलिस में महिला कमांडो की ट्रेनिंग दी है और इसको हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने अपने अधिकारियों से कहा कि इसकी एक प्लानिंग करिए कि हम क्या 1,00,000 बालिकाओं को, महिलाओं को आत्मसुरक्षा के सिखा सकते हैं, उनके अंदर ये विश्वास पैदा कर सकते हैं कि हाँ हम वास्तव में स्वावलंबी हैं, हम हर दृष्टि स्वावलंबी हैं, हम आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी हो सकते हैं, हम सामाजिक दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से हम स्वावलंबी हो सकते हैं। उस दृष्टि से एक शुरुआत पुलिस में की है, अब इनको हम मास्टर ट्रेनर बना करके कुछ और लोगों को ट्रेनिंग करके, और हम चाहेंगे कि हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, हमारी जो बेटियां हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, उसके लिए उनको प्रशिक्षित किया जाए। जो सीमांत क्षेत्र विकास, मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास निधि जो हमने राज्य में लागू की है, उसमें भी हमने 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पलायन रोकथाम योजना में 18 करोड़ की व्यवस्था की गई है, और जो पहली बार राज्य में हुआ है कुछ चीजें कि कई बार पारिवारिक विवाद होते हैं और पति पत्नी को उसका जो खर्चा है, जब वो वाद चलता रहता है उस दौरान उसको कोई खर्चा वो नहीं देते हैं, जब आपस में कलह होती है, वाद न्यायालयों में चलते हैं, तो उस दौरान उनको कोई मदद करने वाला नहीं होता और वो असहाय हो जाते हैं, और कई बार असहाय होने के कारण फिर वो मजबूर होकर के और तमाम तरह के कष्ट झेलती हैं, कई बार आत्महत्या भी कर लेती हैं, कई बार घर छोड़कर भाग जाती हैं, तमाम तरह की घटनाएं होती हैं। ऐसे जो न्यायवाद के दौरान महिलाओं की आर्थिक, हमने नई शुरुआत करी है, पहली बार राज्य में शुरुआत हुआ है, इसके लिए हमने 3,60,00,000 की व्यवस्था की है। ऐसी महिलाएं जो न्यायवाद से के लिए दौरान जो उनको सुरक्षा के लिए उनको आर्थिक सहायता की दृष्टि
सहायता प्रदान कर। हाँ, तमाम तरह की उसको उसका उसका भरण पोषण भी है इसमें, और न्यायालय में तो सरकारी वकील होते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन ये उनके भरण पोषण के लिए है। इसमें 3,60,00,000 की व्यवस्था की गई है, वो तो अवश्य देखेंगे फिर, तो उसके लिए बनेगा, अभी तो हमने बजट प्रावधान किया है, बातचीत करके इसको करेंगे। जो न्यायालय में चल रहा है, जो पति पति का विवाद चल रहा है, मतलब जो परिवार के साथ रह रहे वो लोग तो नहीं आएंगे ना, जो अकेली है महिला वही आएंगी। माना अकेली क्या है, माना वहां भी रह रहे लेकिन विवाद चल रहा है, उसको 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 पति भरण पोषण नहीं दे रहा है, सभी तरह के संपन्नता का कोई सब कोई नहीं, सबके लिए, सबके लिए है, जो इनकम है अगर सर्विस में कोई है तो वो नहीं है, जो जो कमाऊ है उनके लिए नहीं है। अभी नाम नहीं दिया, दे देंगे नाम भी अगर आपने अच्छा सुझाव दे दिया। ये अच्छा हुआ। हाँ, दूसरा जो जो कुछ चीजें जो हमने पहली बार की हैं, एक तो ये निशुल्क जूते वाला, जूता और बैग वाला, ये तो मैंने बता चुका हूँ। एक माध्यमिक शिक्षा में जो कुछ विद्यालय जो चयनित होंगे उनके लिए हमने 40,00,00,000 की व्यवस्था की है, उसमें वहां पर आईटी से संबंधित है, अवस्थापना से संबंधित है, यानी कुल मिला के शैक्षिक उत्थान के लिए आज जो आईटी का युग है तो उस दृष्टि से उन स्कूलों को वेल इक्विप्ड करने के लिए जिनका चयन होगा उसके लिए 40,00,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। ये जल जीवन जो शहरी जल जीवन है उसके लिए 30,00,00,000 से भी अधिक की व्यवस्था हमने की है। एक जो हमारा ऊर्जा के क्षेत्र में किसाऊ है, लखवाड़ है और त्यूनी अराकोट जो बांध है, जो जिनमें लगभग काफी क्लियरेंस इनमें हो गई है, इसके लिए भी इस बार 10,00,00,000 का प्रावधान किया गया, बाकी तो ये इनकी आगे की प्रक्रिया जो होगी। जो चौखुटिया हमारा हवाई पट्टी बननी है, चौखुटिया हमारे लिए जहां पर्यटन की दृष्टि से अति आवश्यक है, वहीं दूसरी तरफ सामरिक दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है चौखुटिया एयर स्ट्रिप का, और उसके लिए हमने 20,00,00,000 रुपए का प्रावधान इस बार इस बजट में किया है। एक जो परिवहन के क्षेत्र में जो ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन, इसके लिए 17,62,00,000 की व्यवस्था की गई है। साइंस सिटी के लिए, ये साइंस सिटी दो फेज में बनना है, 3 साल इसको बनने में लगेगा, तो इसमें भारत सरकार का शेयर है, भारत सरकार की बड़ी मदद है, कुछ उत्तरा स्टेट का है, तो उसके लिए ये झाझरा देहरादून में बनेगी, उसका नींव भी रख ली गई है। ये इसके लिए 23,00,00,000 से अधिक की व्यवस्था इस बार की गई है। जो एक और व्यवस्था हम इस बार हमने की है, पंचायत भवनों के लिए 20,00,00,000 की व्यवस्था इस बजट में की गई है, इसमें 29,00,00,000 भारत सरकार देगी, यानी कि 49,00,00,000 किया। गन्ना किसानों का भुगतान हमने पिछले वर्ष भी समय पर किया है, और इस बार भी हम गन्ना किसानों का भुगतान इस समय पर करेंगे, इसके लिए बजट में 245,00,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि जो हमारे किसान हैं उनको समय पर भुगतान किया जा सके। एक सौभाग्यवती किट ये हम देंगे जच्चा और बच्चा दोनों को, कई बार माना ट्विन हो जाते हैं बच्चे, तो बात आती है कि एक को देंगे कि दो को देंगे, इश्यू एक है, इसलिए दोनों को दिया जाएगा, 3 किट दिए जाएंगे माँ को और दोनों बच्चों को, जुड़वा होने पर फर्स्ट इश्यू को दिया जाएगा, तो उसमें एक दो कुदरत की बात है, एक हो जाए दो हो जाए जो भी होगा, उसके लिए सौभाग्यवती किट, इसमें उसमें माँ के लिए पौष्टिक आहार है, बच्चे के लिए पौष्टिक आहार है, और बच्चे के लिए जो चीजें आवश्यक होती हैं उसके लिए, जो उसके वय के हिसाब से, शिशु के हिसाब से, उसमें तमाम तरह की ऐसी 10-12 तरह के आइटम हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, तेल है, पाउडर है, नहाने का साबुन है, इस ढंग की चीज़ें जो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं उस बचपन के लिए, ऐसे हम फर्स्ट इशू पर हम देंगे। इसमें केवल जो इनकम टैक्स पेयर हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको छोड़कर सबके लिए ये योजना
राज्य में लागू होगी। ये भी हमारी पहली बार ये योजना हमने राज्य में इस वर्ष में हमने लॉन्च किया है। और कंप्यूटर तो वैसे सब कॉलेजों में है, लेकिन हमने ये कहा कि कम से कम 20 कंप्यूटर कम से कम होना चाहिए, तो 20 से अधिक जहां पर बच्चे ज्यादा हैं तो वहां पर ज्यादा भी देंगे, जहां पर बच्चे कम हैं तो उनकी आवश्यकता के हिसाब उसको दिया जाएगा। कॉलेज को, डिग्री कॉलेज को। और कुछ बातें आपको 8 तारीख को बताएंगे फिर। एक जो गैरसैंण के लिए, जो हमारा गैरसैंण नहीं बल्कि जो राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र है, इसमें लगभग 350 करोड़ रुपया अभी तक स्वीकृत है, काफी इसमें से रिलीज भी हुआ है। 50 करोड़ रुपया दिया है अवस्थापना के लिए शहरी विकास से, इसी में 20 करोड़ चौखुटिया वाला जो है ये इसी में सम्मिलित है। 15 करोड़ रुपया सचिवालय के लिए, 10 करोड़ विधानसभा भवन के लिए, 1 करोड़ रुपया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन केंद्र के लिए, 106 करोड़ रुपया पेयजल के लिए, पीएमजीएसवाई में 93 करोड़ सॉरी 278 किलोमीटर सड़क यहां पर स्वीकृत हुई है, 152 करोड़ रुपए दिया है, और 21-22 में 61.65 किलोमीटर सड़क जिसके लिए 93 करोड़ रुपया राजधानी क्षेत्र में 61। हाँ, ये जो हमारा ग्रीष्मकाल राजधानी क्षेत्र है उसके लिए है। 152 प्लस 93 प्लस मतलब 108 और, तो यानी कि 1,03,00,000 और 2583 मिला के इतना ही होगा लगभग। ऐसे ही जो पीएमजीएसवाई में पुल जो सड़क स्वीकृत हुई है वो 278 किलोमीटर सड़क एवं एक पुल जिसकी लागत आई 152.83 करोड़, ये तो विगत है। इस वर्ष जो 21-22 में किया गया है 61.85 किलोमीटर सड़क जिसपे 93.25 करोड़ रुपया व्यय आएगा। ऐसी 2.42 करोड़ रुपया स्टेडियम के लिए जिसमें से 1.33 करोड़ रुपया दे दिया गया है गैरसैंण में। ये जो दिवाली खाल भराईसैंण डबल लेन के लिए 8,67,00,000 रुपया, सीएचसी हॉस्पिटल को अपग्रेड करने के लिए इसको 50 बेड में किया है इसके लिए 11.50 करोड़ रुपया जिसमें से 3 करोड़ रुपया अवमुक्त भी हो गया है। भरारी सैन में 10 बैंड सेटेलाइट सेंटर 10 बेड का ये सिमली तथा गैरसैंण अस्पताल के लिए, ग्रोथ सेंटर के लिए यहां पर लगभग 33 करोड़ रुपया, परिवहन बस डिपो के लिए 5 करोड़ रुपया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्किल डेवलपमेंट के तहत कृषि डेयरी और मौन पालन इसके लिए 1 करोड़ रुपया प्रस्तावित है, 56,00,000 रुपया दे दिया गया है। यहां पर पुलिस बैरक के लिए 2 करोड़ रुपया जिसमें से 80% काम पूरा हो गया है। माध्यमिक शिक्षा में 7 विद्यालय में यहां पर जो डिमांड थी 2-2 अतिरिक्त कक्ष की डिमांड थी वो सबको दे दिया गया। अगर देखेंगे तो नीचे बन भी रहा है, मैं देख रहा था हेलीकॉप्टर से कल। और प्राथमिक शिक्षा में 6 विद्यालय हैं, उनमें सब में 1-1 कक्ष की डिमांड थी उसको भी पूरा कर लिया गया है। उद्यान की दृष्टि कोल्ड स्टोरियम प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 2.5 करोड़ रुपया, मशरूम उत्पादन यूनिट के लिए 1 करोड़ रुपया, माली प्रशिक्षण केंद्र के लिए 15,00,000 रुपया, और चाय बोर्ड की काली माटी चाय फैक्ट्री के लिए 2 करोड़ रुपया, ये मैंने कुछ दिन पहले घोषणा की थी। चाय बोर्ड कार्यालय प्रस्तावित यहां पर, उसका मुख्यालय यहां पर बनाएंगे, ये प्रस्तावित है। एक एस्ट्रो विलेज यहां पर वेनीताल है, जब आप जंगल कट्टी से ऊपर जाएंगे तो वहां पर एस्ट्रो विलेज उसके लिए DPR बन रही है। और ये जो दूधा तोली हमारा है जहां चंद सिंह गढ़वाली जी की समाधि है, वहां के लिए एक नेचर ट्रेल ग्रैंड ट्रैक उसको बनाया गया है।
कमिश्नरी डीआईजी ऑफिस से आपने कल इसकी तो आज खूब आप लोगों ने खूब बढ़िया प्रशंसा भी की है, कभी कभी करते हैं पत्रकार लोगों से प्रशंसा। और टाउन प्लानिंग के लिए मैंने घोषणा की है कि एक महीने में इसके बीट कर दी जाएंगी, और ताकि यहाँ की ठीक से राजधानी क्षेत्र की हम प्लानिंग ठीक से कर सकें। और हेलीपैड के लिए यहाँ पर 2 करोड़ रुपया अभी मैंने इसमें थोड़ा सा और भी जरूरत पड़ेगी और देंगे। मैंने कहा कि इस ढंग से हेलीपैड बनना चाहिए कि 3 MIU उसमें उतर जाएं, कभी प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी कभी आना चाहें, उनकी इच्छा हो आने की, तो 3 जो MIU है यहाँ पर लैंड कर सके। उस दृष्टि से उसके लिए और विस्तार के लिए मैंने कहा आवश्यकता पड़ेगी तो और धन उसके लिए हम लोग सरकार उसके लिए देगी। जी बड़े यहीं पर बगल में जी। एक संचार की बहुत दिक्कत है सर। संचार के लिए हमने मैंने आज ही अपने IT सेक्रेटरी को सुबह बात किया है, हमने कहा है कि जो प्राइवेट के लिए हमने 50-50 लाख रुपए रखा है, कोई टावर अगर लगाते हैं जो प्राइवेट कंपनियां हैं जैसे रिलायंस है या कोई और है, तो हमने कहा 40 है 40 है 50 कर देंगे, निकल गया मुंह से क्या हो गया। तो संचार की व्यवस्था अच्छी चाहिए, तो यहाँ पर DM को भी बोला है और जो हमारे IT सेक्रेटरी दोनों को आज बिठाया था, उनको कहा है कि यहाँ के लिए एक बढ़िया यहाँ पर कम्युनिकेशन की व्यवस्था हो उसके लिए। और बाकी मैं